चलिए आपको लेके चलते हैं कलवा के डैम पर, ये पारसिक हिल पे जो है हम लोग जा रहे हैं इस समय। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल है, और बारिश का सीज़न जो है लगभग ख़त्म हो गया है, बट देखते हैं हमारी किस्मत में होगा तो हमें वो वाटरफॉल देखने मिलेगा। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको ये जो डैम है कलवा का, जो डैम है पारसिक डैम, ये हम आपको वो डैम दिखाएंगे। तो चलिए साथ में देखते हैं और ढेर सारा इन्जॉय करते हैं। भारतीय रेलवे ने सबसे पहली ट्रेन 18वीं सदी में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के बीच चलाई थी। भारत में उस समय ट्रेन की शुरुआत देश की एक बड़ी उपलब्धि थी। पहली ट्रेन को भाप के इंजन के जरिए चलाया गया था। आप सोच रहे होंगे कि मैं आप सभी को ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जिस डैम पर हम जा रहे हैं उसका रेलवे के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। इस पहाड़ पे तो मैं बहुत बार आया हूँ, काफ़ी बार। और इस पहाड़ पे जो है आपको बता दूँ, मैंने जो है हमने मैंगो के सीड्स कम से कम, मैंने तो आपको बोलूँ 3,500 से भी ज़्यादा मैंगो के सीड्स जो है इस पहाड़ पे लगाए थे। लेकिन सर्वाइवल रेट जो है बहुत कम है, बहुत ही कम है, क्योंकि गर्मी बहुत होती है पहाड़ पे। ये बारिश के सीज़न के बाद यहाँ पानी नहीं बचता है, और जो यहाँ पे बकरी वगैरह लेके आते हैं लोग तो उनसे भी जो पेड़ खा लेते हैं। तो यहाँ पे आप पहाड़ी जो पेड़ है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ना तो आपको करंज के जो पेड़ है वो ज़्यादा दिखेंगे। तो अगर आप कभी भी माउंटेन साइड पे प्लांटेशन कर रहे हो तो आप करंज के पेड़ लगाइए। आते समय खाली बैग में लेके आ गए। ए देखिए बड़ा है ना।
एक बार देख इधर, आप पत्थर पर बैठा तो उसमें पत्थर पे ही सांप निकल गया। मोगलीचे डैम या फिर खांडी तालाब 1912 में ये बना था। उस समय सेंट्रल रेलवे के पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने बनवाया था। ये डैम पारसिक हिल की तलहटी में स्थित है। बारिश का पानी पहाड़ियों से छोटे बड़े झरनों में तब्दील होते हुए इस डैम में आकर मिलता है और यह एक बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। अगर आप न्यू मुंबई थाने के आसपास रहते हैं तो एक बार ज़रूर विज़िट करें। सबसे नज़दीक का रेलवे स्टेशन एरोली है।